प्लीज जल्दी दो वरना हम सब्सक्राइब कर लेंगे। सिव मी क्यों नहीं सुन रहे, क्यों नहीं सुन रहे, ऐसा कुछ नहीं है क्यों नहीं सुन रहे। आप लोग बहुत डराते हो यार, मतलब आप लोग बहुत डरा देते हो, ऐसा मत किया करो हम लोगों के साथ में। हम लोग सुन लेते हैं कभी कभार, सुन लेते हैं नहीं, क्योंकि क्या है ना, जितना हमें टाइम मिलता है उसमें उतने ही गाने होते हैं और बहुत सारी चीजें हो जाती है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, तो पर हम धीरे धीरे कोशिश करते हैं सब कुछ सुनने का। तो हमें पता है ये फील मी एल्बम का एक सॉन्ग है जो रह गया था और अभी हम सुनने वाले हैं नए एल्बम आने से पहले। हाँ, नया एल्बम आने वाला है यार, सुपर एक्साइटेड। तो बिना देरी करे अपन गाना सुनते हैं फिर इसके बारे में बात करते हैं। पर आप चैनल पर हैं तो डू सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और प्लीज सब्सक्राइब टू हिज चैनल एज वेल यार, प्लीज ग्रो हिम। जितना आगे बढ़ेगा उतना ही ज्यादा हम लोगों को मजा आएंगे, बहुत फील वाले गाने मिलते चले जाएंगे। ओ स्प्लिट पर्सनालिटी गेम, नाइस, प्रेजेंटिंग टू कैरेक्टर्स। मुझे बचा लो कोई, अपना कोई बचाने को है, जब से गए हैं वो अपना कोई हंसाने को है, गहरा चोट गहरी सोच लेके चल रहा, आधी अधूरी जान वो भी अब जाने को है। आंखें खोल इस दुनिया को तू दे, जिस सवारी पे हम बैठे उस पे नहीं है ब्रेक, सबके दरवाजे देखे मेरे लिए बंद, या तो मेरा कल हो या तो कल हो मेरा। आईडी पे है जितने लाइक्स और आईपी पे वो डबल, डेड बॉडी यानी प्यार उसका जिंदा रहना ट्रबल, तुझे प्यार नहीं आया थोड़ी दया भी नहीं आई, जो कांड किया तूने देता चेहरे पे दिखाई, तुझसे नफरत नहीं करता और वो हो ना पाए कभी, तुझसे प्यार करने का कोई कारण ही नहीं, लाइट्स ऑफ शट डाउन कर दिया है दिल को, जिस पे रहते हो तुम छोड़ डाली उस महफिल को। कॉलेज की दोस्ती कॉलेज तक ही रह चुकी है, वो लड़की स्ट्रॉन्ग वो काफी टॉर्चर से चुकी है, मैं रहता खुश जब भी करती है वो दिल से स्माइल, वो नहीं चाहती मुझे काफी बार कह चुकी है। ये दो दिन के रिलेशन और कुछ दिनों के ड्रामे, जिस समय लगी आपको ये प्यार क्यों बताते, मुझे बचा लो इस शहर पे नहीं कोई मेरा अपना, अगर तू है खुदा तो अपने पास ही बुला ले। घर पे कहता सब ठीक, पैसा भी है मेरे पास, क्योंकि नहीं मैं भूला मेरा जन्म हुआ पुअर क्लास, कितना प्रेशर दूं मैं घर पे इससे अच्छा खुद देखो, नहीं बना इंजीनियर कहते छोड़ दो इस कुत्ते को, आज यही कुत्ता अम्मा भोंकता है माय पे, आज तेरा कुत्ता बड़ा हुआ तेरे डांट से, तूने कहा तू क्यों मरना गया मेरी कोख में, पर आज ये आवाज अम्मा लाखों की आवाज है। सबसे कहता खुश रहो पर खुद से ज्यादा खुश नहीं, जब भी पूछे क्या हुआ मैं हंस के कहता कुछ नहीं है, बताना कुछ तो पर वो शब्दों से ना हो गया, खिला हुआ चेहरा था मुरझाने जैसा हो गया, उतर चुके आधे में ही कहने वाले टिल दी हैं, बैठे साथ वो ही जिनकी बातें मुझसे मिलती है, व्यूज पे नहीं ध्यान बस फैलाना था रियलिटी, मासूमों से झूठ कहकर चाहिए नहीं मिली है। कहती माँ बेटा तू क्यों नहीं आता माँ के आंचल में, आस लेके बैठी मेरी बुढ़िया अरुणाचल में, पर शर्म से नहीं कहता कुछ मैं कैसे जाऊँ खाली हाथ, मन है काफी कुछ तुम्हें कम माँ के कलम कागज से, शैतान अपनी माया से तू बख्श से, रोज रात फूका रोता रहता छत पे, रोज सोचू अभी खत्म कर दू सब कुछ, शायद मौत देगी मुझे मेरी हर खुशी। कुछ बातें यार हम दोनों की नहीं मिली, कुछ प्रॉब्लम्स है जो नहीं समझती फैमिली, उस बच्चे को मत बोलो कि वो कुछ भी नहीं, शायद उसकी सबसे बड़ी ताकत ही है ऑनेस्टी, एक लड़की कहती सेफ फील होता मुझे तेरे साथ, रहना चाहती रात को इरादा मुझे दिखता साफ, मैं नहीं करता उसके साथ, कहती मुझे के हो क्या, फिर सुनती मेरी स्टोरी कहती मुझे तुमसे प्यार हो गया, पर बेबी मैं नहीं वैसा जैसा तूने सोचा, एक को ही दिया दिल उसी ने किया लोचा, और किसी लड़की से वो फील ही नहीं आता, तूने क्या बनाया मुझे समझ भी नहीं आता, किसी से ना हुआ इतना ज्यादा हुआ तुझसे हर्ट, मनी जाता माँ अगर बचाती नहीं आखिरी वक्त, नहीं पता क्यों ऐसा लगा तेरे बिना रह ना पाऊँ, सारी बातें कहता पर जो कहना वो मैं कह ना पाऊँ। पापा लेके आते थे ही, उस पापा से है वादा उनको लेके जाना
समझे मेरे नहीं दिया सबको साफ पानी मुझे मिला विश बना मिस्टर शिफ्ट पी के बोला सबर ठीक बंदूक मेरे पास उसकी लाइसेंस है नहीं एक ही बुलेट उसमें मेरा नाम ही बहुत बुरी तरह फंसा मैं इस खेल में मामा मुझे डालो फिर से अपने जेल में फिर से लेके चलो मुझे मेरे पास में काफी को बनाया मैंने खुद को बांट के वो भूल चुके सब कुछ उनको देने वाला मौत उनके कब्र के ऊपर लिखूं ऐसा परामोश अगर पुलिस देखे ये गाना तो लॉक अप करो साफ ये गेम तगड़ी चाल गलती को ना मिले माफ इसलिए मैं बोला हो सके तो सेव मी करने वाला काफी पाप और कारण उनके है भी सामने से मारूंगा तुम खेलोगे बस हाइड एंड सीक क्लोज जब भी होता मैं ना रखता हूँ कोई प्राइवेसी मुझे भी एक माइक दो छोरो ये सब मैं पागल हो गया पैरों का धूल वो बादल हो गया तुमने धागा समझा जिसको वो चादर हो गया मेरे कानों का इच्छा चल मैं फादर हो गया मैं काफी ज्यादा बुरा हूँ तेरे दुश्मन को जो लगे पहले मैं वही छुरा हूँ मेरे बारे कुछ मत बोलो मुझसे आके मिलो वो सुनते हैं कुछ ग्राम और सुनाते हैं वो किलो ओहो आहा चालो भाई एक जो मैं बात करना चाहता हूँ बहुत दर्द है भाई की आवाज़ में यार बहुत दर्द है और वो दर्द दिखता है उसके शब्दों में उसके लिरिक्स में उसकी राइटिंग में सब जगह पे वो दिखता है एक्सप्रेशंस में सॉलिड यार सॉलिड 7 मिनट का था सबसे पहली चीज़ जो मुझे आई ना ये गाना सुनते सुनते अलग कोई तो इंसान है जो अपना दर्द किसी से बांट नहीं पा रहा है लाइक उसने मैं क्या करूँ किससे शेयर करूँ मतलब वो लिखने बैठा होगा तो मुझे लगता है कि ऐसा हुआ होगा कितनी बातें जो मैं बता नहीं पा रहा हूँ मतलब एक टाइम पे ऐसा लगता है मर जाऊँ एक टाइम पे लिखता है किसको बताऊँ तो क्यों ना इस गाने में ही पूरा लिख दूँ करेक्ट सही कही तुमने सेम मी में तो बिल्कुल हर एक अपना छोटा छोटा सा दर्द अपने छोटे छोटे से सपने अपने बड़े बड़े सपने सब कुछ उसने वहां लिख दिए जो पूरे हुए वो जो पूरे नहीं हुए वो जो पूरे करना चाहता है वो जो लाइफ में अचीव नहीं कर पाया वो लाइफ में जो लाइक आप बीती जो हुई है उसके बारे में लाइक इसमें इतनी कुछ कुछ चीजें ऐसी थी ना लाइक मैं उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती मैं उसे फील भी नहीं कर सकती बता भी नहीं सकते क्योंकि वो चीज कभी हमारे साथ हुई नहीं वी डोंट नो कि उस पे उस टाइम पे क्या बीत रही होगी ये बात सही कही है क्योंकि जो जिसे बीतती है ना कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बस वो ही उसे फील कर सकता है वो ही उसे बता सकता है कुछ चीजें ऐसी ही होती हैं और ये स्टोरी मुझे तो जान ऐसा सुन के ऐसा लगा कि रियल में ही मतलब ये जो सब हुआ है वो खुद की लाइफ को ही एक्सप्लोर कर रहा है बिल्कुल मेरे को यही लग रहा है कि ये खुद की ही लाइफ का पार्ट है ये नहीं लग रहा है कि किसी और की स्टोरी से या कुछ माइंड से नहीं है इतना फील नहीं कर सकता कोई इंसान
खुद की जब तक खुद के ऊपर बीती होगी ना, तो वही खुद की आप बीती ही उसने पूरी की पूरी अपनी यहाँ पे सेव में लिख दी है। और पूरा फील मी एल्बम ही कुछ इसी टाइप से लिखा हाँ पूरा हुआ है। फील मी, पर फील मी एल्बम में भी ये गाना जो था ना, इसने मेरे को एक ऐसे लाइफ के पार्ट के वहां पे दिखाया कि सी मतलब एक पेरेंट्स गर्लफ्रेंड, मतलब लाइफ में जब मैं बताता हूँ तो लड़की आ जाती है, फिर माँ बोलती है ये करो, बाप ने ऐसा सोचा था, ये करियर में ये हुआ वो हुआ, लिखने बैठा तो ऐसा हुआ मेरे, पर फिर यूट्यूब में मुझे जो अच्छे मिले, हेट को नहीं ध्यान दिया, हेट ऑब्वियसली हेटर्स तो होता ही आते ही, होता ही जहाँ अच्छे होता ही लोग होता आते हैं तो बुरे लोग भी मिलते ही हैं, है। बट भाई बंदे को सच में सल्यूट है यार। मतलब एक एक इतनी हार्ड लाइफ से अगर वो इस लाइफ पे पहुंच रहे हैं, और इसके ऊपर हम लोगों की मदद से ही आगे पहुंच पाएंगे। हम लोग अगर उनको फॉलो करेंगे, वो ग्रो करने बात करेंगे, तो हम लोगों की मदद से आगे पहुंच पाए आगे पहुंचेंगे। तो इस तरह के आर्टिस्ट का सपोर्ट करना बनता है यार, बनता है बनता है। सपोर्ट ही मिलना। डिजर्व लॉट्स ऑफ सपोर्ट। मैं तो चाहती हूँ कि ये मल्टीपल आर्टिस्ट के साथ एक ऐसे लेवल हो जाए जहाँ ये सबके साथ कोलैब कर सके, सब बहुत इसे सही अप्रोच करे कि भाई अप्रोच अपने करें। साथ हमारे साथ कोलैब कर। तो अब ये मैं बस मेरा अब ये जो कहना है, जैसे फील मी एल्बम ही मैंने अभी तक सुनाया, और उसके अलावा मैंने मगरमच्छ गाना सुना था जो कि एल्बम का नहीं था, हाँ लोग करेंगे तो वो थोड़ा सा अलग था, ये अलग है, बट उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा सिमिलर था। अब मैं चाह रहा हूँ कि इनको थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट चेंज करना चाहिए थोड़ा सा, नहीं, जैसे मुझे लगता फील है मी के ये सिर्फ अलावा। एल्बम में मेरे ही को भी यही ये लगा, इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट है, पहले यही बाकी बोला। बाकी अब जो गाने आएंगे मुझे लगता है कि ऑब्वियसली ही ऑल्सो डोंट वॉन्ट कि हर बार मैं वही हाँ, चीजें एक ही बताऊं। पैटर्न है कि उसमें ना हाँ रहो, क्योंकि अगर आजकल का जमाना क्या है कि मल्टी टैलेंटेड, मल्टी इंफॉर्मेशन, और सब कुछ आना चाहिए ऐसे, मतलब हर कुछ चीज पता होनी चाहिए, हर कुछ चीज में करना आना चाहिए। एक पर्टिकुलर चीज को पकड़ कर रखूंगा तो मैं आगे ग्रो ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। नहीं, पर मुझे लगता है ना ये एल्बम का ही कॉन्सेप्ट ये था कि जहाँ वो अपनी लाइफ शेयर कर सके, क्योंकि यार हाँ मुझे लगता है ना इतना बर्डन एक टाइम पे आ जाता है, तो एक टाइम पे अपन नहीं सुनते एमसी स्टेन को या फिर एमी बिल्कुल वे को बिल्कुल सही कह या रहे हो। रफ्तार को अपन सुनते हैं, जब वो अपनी लाइफ को नरेट करते हैं, सिद्धू मूसेवाला का भी इसमें यार हाँ ये ट्रिब्यूट बात भी भी है, सही है। तो जब अपनी लाइफ को ये नरेट करते हैं गानों में तो इनको एक वो मिल जाता है, तो इसने इसलिए अपनी इतनी चीजें हुई है कि इसको एक एल्बम बनानी पड़ी है ना, कि भाई वहां पे मैं नरेट कर सकूँ एंड थोड़ा सा मन हल्का कर सकूँ, ऐसा मेरी फीलिंग्स है। हाँ क्या पता ये सब नहीं भी हुआ, आई टच वुड, ऐसा लाइक किसी के साथ ना हो, पर ये लाइक लोग आप ही हो जो जो इनके बहुत करीब होंगे, जो इनसे मिले होंगे, तो आप लोग बता सकते हो कि इज दिस ऑल रियल, इतना ज्यादा डीप इनके साथ हुआ है क्या, इतना ज्यादा इनके साथ हुआ होगा, तो प्लीज और यू अगर हुआ कमेंट है तो करना, प्लीज सपोर्ट करो सपोर्ट यार, करना है लेट प्लीज। हिम ग्रो, लेट हिम एक्सप्लोर एवरीथिंग, और आप लोग के प्यार से, हमारे प्यार से, हम सबके प्यार से ही ये सब चीज़ें ठीक हो पाएगी, यू कैन हील, अगर ये सब सच है, और अगर नहीं भी सच है तो गाना बहुत अच्छा बहुत था, अच्छा मतलब भाई साहब दर्द दे दिया उसने हमें ही सोचने में, तो दैट्स द आर्टिस्ट वर्क। ओके गाइस, यहाँ करते हैं हमारे रिएक्शन समाप्त। तो और बताइए एमसी इनसेन का कौन सा और गाना आप सुनना चाहते हैं। हम लोगों ने फिल्म एल्बम के अप्रॉक्स सारे गाने कर लिए, अगर कोई बचा होगा तो प्लीज डू कमेंट और हम वो आपके साथ सुनेंगे। कोई और इनके पुराने गाने होंगे जो आपको बहुत हार्ट टचिंग लगे होंगे तो प्लीज डू कमेंट दैट वन। इसके अलावा और कोई आर्टिस्ट, जैसे मेरे पास और कमेंट आए थे तो वी आर वर्किंग ऑन दैट वन कि हम लोग उनके गाने भी सुने, उनके यस भी रैप सुने, बट जैसा भी हो प्लीज आपको कमेंट करना, और इंस्टाग्राम पे प्लीज फॉलो करना मत भूलना। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय बाय। बाय।